हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवोल्यूशन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस। ईवीएस जो कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, और बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सीटेट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगी, यूपी टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगी, इवन कोई भी स्टेट टेट है उन सभी के लिए क्या रहेगी, हेल्पफुल रहने वाली वीडियो है। ओके, सो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ईवीएस के इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या चीज़ है? पहला जो टर्म आता है वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट। मतलब ये एक स्टडी है। लॉजी मतलब क्या होता है? लॉजी एक लॉगस नाम के शब्द से आया है जिसका मतलब होता है स्टडी। ओके, सो इट इज द स्टडी ऑफ द इंट्रैक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म और उस जो एनवायरनमेंट है उसके बीच में जिस तरीके का इंट्रैक्शन है। अगर मैं प्लांट ले लेती हूँ, ठीक है, तो प्लांट जो है, प्लांट को एयर चाहिए, मतलब एयर मतलब CO2 चाहिए, साथ के साथ मिनरल्स चाहिए, मिनरल्स जो कि इसको सॉइल से मिलेंगे, वाटर चाहिए, वाटर जो कि वो रूट से लेगा। तो ये सब क्या है? ये सब उसके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होने वाले फैक्टर्स हैं। ओके, सो इकोलॉजी में हम लोग यही समझते हैं कि किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट है। ओके, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि जो टर्म इकोलॉजी है वो किसने दिया था? अर्नस्ट हैकल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि टर्म इकोलॉजी किसने दिया? अर्नस्ट हैकल ने 1886 में। ओके, और ओडम की एक डिफाइन है जो कि यही डिफाइन सबसे ज़्यादा मतलब देखने को मिलती है, बेसिक सी डिफाइन है जो कि ओडम ने दी थी, सर ओडम, 1971 में, कि इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी इज द स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ नेचर। मतलब नेचर का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन की स्टडी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इकोलॉजी बोल रहे हैं, ऐसा सर ओडम का कहना था। ओके, इनको इकोलॉजी का फादर भी बोला जाता है। इसके बाद बात आती है इकोसिस्टम की। व्हाट इज इकोसिस्टम? देखो, इकोसिस्टम में दो टर्म्स आते हैं, एक तो एबायोटिक शब्द का यूज होता है, दूसरा होता है बायोटिक शब्द। बायोटिक मतलब होता है लिविंग, बायोटिक मतलब रहता लिविंग, ठीक है, एबायोटिक मतलब रहता नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का मतलब है ये नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं जिनसे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट रहता है। ओके, जैसे कि ह्यूमिडिटी, लाइट, सॉइल, ह्यूमिडिटी है, ठीक है, लाइट है, सॉइल है, वाटर है, टेम्परेचर है, ये सब कुछ आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है, आप बहुत सारे प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं कि ये शब्द जरूर पूछा जाता है कि टर्म इकोसिस्टम किसने दिया है। तो टर्म इकोसिस्टम दिया है तांसले ने, एजी तांसले। तांसले याद रखो क्योंकि हर बार मतलब बहुत कम केसेस में होता है कि इनके फर्स्ट नेम बोले जाए, सरनेम में इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है। तांसले ने 1935 में टर्म इकोसिस्टम दिया था। ओके, है क्या ये? इंट्रैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट इज नोन एज इकोसिस्टम। मतलब लिविंग और उसके नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट जो है उनके बीच में जिस तरीके का इंट्रैक्शन है उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। अब दो तरीके के इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं हमें, एक तो नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होते हैं जो कि अपने आप ऑपरेट किए जाते हैं, मतलब वो अपने आप अपना काम कर रहे हैं, वहाँ पर किसी भी तरीके के मतलब कह सकते हो ह्यूमन के द्वारा किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस, मेजर अमाउंट में इंटरफेरेंस नहीं होता, ठीक है। मतलब नेचुरल कंडीशंस पर वो इकोसिस्टम चल रहे हैं। जैसे कि कुछ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी है, एक्वाटिक भी है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जैसे कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, और एक्वाटिक इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इसको दोबारा से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, दूसरा है मैराइन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर मतलब मीठे पानी, जैसे कि रिवर है ना, पॉन्ड है इस तरीके से, और मैराइन मतलब होता है सॉल्टी, जैसे कि ओशियंस हैं, फॉर एग्जाम्पल ओशियंस और सी, ओशियन इकोसिस्टम, सी ओशियन सिस्टम, सॉरी सी इकोसिस्टम। इसके बाद बात आती है कि फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब क्या है? ये लॉटिक टाइप भी हो सकते हैं और लेंटिक टाइप भी हो सकते हैं, मतलब रनिंग वाटर में भी हो सकते हैं जैसे कि स्प्रिंग स्ट्रीम और रिवर, और लेंटिक टाइप भी हो सकते हैं मतलब ठहरे हुए पानी में, जैसे कि लेक, पॉन्ड, डिच, स्वैम्प, इस जगह पर। ओके, बढ़ते हम लोग आगे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की तरफ। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो है जो कि ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए हैं, मतलब आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, मेंटेन किए जाते हैं किसके द्वारा? ह्यूमंस के द्वारा, और इनको हम मैनमेड इकोसिस्टम भी बोलते हैं। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम और एक्वेरियम, सर्पेंटाइन, एवियरीज, ये सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आते हैं। एक्वेरियम में फिशेज को रखा जाता है।
और एवियरीज जो होती हैं उनमें बर्ड्स को रखा जाता है। सरपेंटाइन्स जो होते हैं उनमें स्नेक्स वगैरह को रखा जाता है। चलिए, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बात आती है कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या दिया था अभी आपको, दो कंपोनेंट है, एक तो एबायोटिक, दूसरा बायोटिक। एबायोटिक मतलब नॉट बायोटिक, मतलब नॉन लिविंग, नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है, इनमें जान नहीं होती है। ठीक है, अब नॉन लिविंग पोर्शन जो होगा इकोसिस्टम का, वही यहाँ पे बता दिया है कि उसको हम को क्या बोल रहे हैं, एबायोटिक बोल रहे हैं। जैसे कि क्लाइमेट है, क्लाइमेट कंडीशंस में क्या क्या आ जाती है, लाइट आ जाती है, विंड आ जाती है, टेम्परेचर आ जाता है, वाटर आ जाता है। ओके, चलिए, तो पहला जो आपने समझा वो क्या है, क्लाइमेट है। दूसरे हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि मैंने अभी आयंस वगैरह बताए थे आप लोगों को, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सल्फर है, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, और भी बहुत सारे। इसके बाद बात आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फैट, ये सब किस में आ जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आ जाते हैं, और इन सबको मिला के हम लोग बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, इसके बाद बात आती है बायोटिक कंपोनेंट्स की। बायोटिक कंपोनेंट्स में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बायोटिक कंपोनेंट्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, मतलब अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे बात करेंगे तो बायोटिक कंपोनेंट जो है उसके ये सारे टाइप्स हैं जो अभी आप पढ़ने वाले हो। सबसे पहले आते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं जो कि अपना खाना, ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है, और ट्रॉप मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, वो सब अपने अपना खाना खुद ही प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो जहाँ पर ये किसकी मदद लेते हैं, सनलाइट की मदद लेते हैं, क्लोरोफिल जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है लीव्स के अंदर, उसको बोलते हैं। लीव्स में जो होता है, उसके बाद CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ओके, तो ये होते हैं ऑटोट्रॉफ्स जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं।